और नए गुफा में चले चलते हैं आपको, एक दूसरी गुफा। अब चलते हैं दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर, जो कि प्रेम मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और हमने यहाँ से बैटरी रिक्शा किया और चलते हैं अब। फाइनली दोस्तों, अब हम माता वैष्णो धाम आ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो बाहर का पूरा व्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं और अंदर जाते ही आपको यहाँ पे शूज हाउस एक तरह से छोटे-छोटे एक लॉकर टाइप के बने हुए हैं, जो कि यहाँ पे आप शूज वगैरह अपने जमा करा सकते हो। अंदर एंट्री करते ही आपको यहाँ पे ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो कि 10 से 20 रुपये के रजिस्ट्रेशन के तौर पे हो जाएगा, जिसमें कि आपको बैग को काउंटर पे यहाँ जमा कराना रहता है और सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पे जमा करा के आपको इस तरीके से टोकन और एक लॉकर नंबर दे देंगे आपको। इसे संभाल के रखना है, इसी के द्वारा ही आपको बैग रिटर्न वगैरह मिलेगा। और देख सकते हो मंदिर का क्या खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, जो कि मात्र 50 रुपये में यहाँ पे आपको एक नारियल वाला प्रसाद मिल जाएगा। और नए गुफा में चले चलते हैं आपको, एक दूसरी गुफा। और अब हम कर रहे हैं गुफा की परिक्रमा, जो कि आप देख सकते हैं जो जय माता दी माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी का मंदिर बना हुआ है, उसके चारों तरफ से हम ये परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि 7 बार या 21 बार या नॉर्मली 3 बार आप कर सकते हो। आशा है आप मथुरा आएँ तो माँ वैष्णो देवी का मंदिर ज़रूर देखें, इसे मिस ना करें। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। पूरा अच्छे तरीके से मंदिर को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चलते हैं, एग्जिट होते हैं यहाँ से।